महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हाल के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विधायक निलेश लंके के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के सामने 4 दिन से अनशन पर वो लोग बैठे हैं। लोगों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। गड्ढे और गड्ढों की स्थिति के कारण इस जर्जर सड़क पर कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 8 वर्षों से सड़क का काम बंद है, अधूरेपन के लिए सड़कों पर ये लोग उतरे हैं। बता दें, पाथरडी करंजी में गांव को सख्ती से बंद कर दिया गया और सड़क जाम कर दी गई और प्रशासन को जगाने के लिए सभी पार्टियों के राजनीतिक नेता सड़क पर उतर आए हैं। जो हमारा वो नगर पाथरडी और नगर शिरडी रास्ते के बारे में अनशन चल रहा है, वो 3 दिन में प्रशासनातील कुछ भी लोग हमारे पास प्रॉपरली नहीं आए और हमारा अनशन छोड़ने से बजाय हमारा अनशन वो फॉल कैसा हो सकता है ये बारे में प्रशासन देखते है। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश बांगड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, सड़क के खस्ता हाल के चलते जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नतीजा ये हुआ कि अब लोग अनशन पर बैठ गए हैं, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? हाँ अश्मिता जी, जी ये महाराष्ट्र की जो अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय महामार्ग है जी, ये सब खराब हो गया है, इसलिए रास्ते में खड्डे है या खड्डे में रास्ता है, ऐसी परिस्थिति हो गई है जी। फिर अहमदनगर के जो MLA नीलेश लंके, वो हजारों कार्यकर्ते के साथ कलेक्टर ऑफिस के सामने 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। आज सुबह 1 बजे से पहले महाराष्ट्र के जो उपमुख्यमंत्री है अजित पवार, यहाँ आके उन्होंने आज 4th दिन में अनशन छोड़ दिया है उनका जी। लेकिन नीलेश लंके का कहना था, जब तक जल्द से जल्द रास्ते का काम शुरू नहीं होता तब तक मैं ये अनशन छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहब, उन्होंने अनशन की दखल लेकर रास्ते का जल्द से जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया जी। और MLA नीलेश लंके और हजारों कार्यकर्ताओं ने अनशन आज सुबह 1 बजे से छोड़ दिया है जी। बिल्कुल, अगर बात करें इन सब चीजों की तो आश्वासन हर बार दिए जाते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सड़क राष्ट्रीय मार्ग सड़क कोई आम सड़क भी नहीं और उसमें जब ऐसी चीजें आती है तो लोगों को जाहिर सी बात है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ समय बताया है कि इतने समय के अंदर ये ठीक हो जाएगा या इसमें जो सड़क की परिस्थिति है ठीक करवा देंगे? नहीं वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन जल्द से जल्द बोला जी। चलिए बहुत बहुत आज ये देखिए 8 दिन में शुरू हो जाएगा ऐसा उनका कहना है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर से बताई जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ता हाल के चलते गुस्साए लोगों ने जो है अनशन पर बैठे और आज आश्वासन देने पर, मंत्रियों के आश्वासन देने पर ये अनशन खोला गया।